और कराची से आपको अहम खबर दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में एग्जिट के सीईओ शोएब शेख की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मरकजी मुलजिम शोएब शेख की अदम पेशी मुलजिमान यूनस और जुनेद अदालत में पेश हुए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। मुलजिमान पर केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अदालत ने केस में एफआईए के गवाहों को तलब कर रखा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि कराची में मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक एग्जिट के सीईओ शोएब शेख की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है। मरकजी मुलजिम शोएब शेख की अदम पेशी पर मुलजिमान यूनस और जुनेद अदालत में पेश हुए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी मोहसिन इस्माइल से। जी मोहसिन, मजीद क्या तफसीलात है? देखें, एग्जैक्ट के सीईओ शोएब शेख और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक जो है केस की समाअत हुई। आज भी चूंकि जो एग्जैक्ट के सीईओ शोएब शेख है वो अदालत में पेश नहीं हुए, जबकि दीगर मुलजिमान जो यूनुस और जुनेद हैं वो आज अदालत में पेश हुए। जबकि अदालत ने आज शोएब शेख की जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी वो दायर की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर ली और मुकदमे की जो समाअत है वो 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। जबकि इसी केस में जो है तमाम मुलजिमान पर फर्ज जुर्म आयद हो चुकी है और जो गवाहान हैं उनके मुताबिक जो है जो जिरा है वो इस केस में जो है जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन इस्माइल, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे।